ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 जून 2022 की महावाक्य है मीठे बच्चे। 21 जन्मों की पूरी प्रालब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं चढ़ना, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। आज का प्रश्न है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे परमधाम में, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर है, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के दिन गवाया हाय के। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है। ओम शांति, हम आत्मा का स्वधर्म शांति है, ये तो ठीक है, परंतु फिर भी ओम शोहम शोहम कह देना ये भी रॉन्ग हो जाता। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, इन सभी कनरस में फायदा कुछ भी नहीं। मनरस तो अभी ही आता है एक बात का, बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है, प्रभात के समय शिव बाबा को प्यार से याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते रहते हैं, यह भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं बच्चे यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है, वहां तो भक्ति की दरकार ही नहीं। कहां सतयुग में भक्ति की कोई भी दरकार नहीं है। अच्छा, खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं, भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि सब दुखी हैं। जब कोई आफत आती है या बीमार पड़ते हैं, फिर तो बाबा कहते हैं तो भगवान को याद करते, भक्त ही भगवान को बहुत याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाता। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, द्वापर के बाद भक्ति चालू हो जाती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है, वैराग्य किसका आता है? पुरानी दुनिया पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में शिव बाबा के पास जावे। भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है। भक्तों को भी भगवान मिलते हैं, भक्तों को सदगति देना तो भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है। सिर पर शिव बाबा को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है यह तो बड़ा सहज है, अभी तुम जानते हो। यह वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है, जो पास्ट हो हुआ सो ड्रामा है। इसे समझने के लिए बड़ी विशाल बेहद की बुद्धि चाहिए, है ना। बेहद का माने कहीं सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, बेहद का ज्ञान सुनाते हैं, उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता।
ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो, बरोबर भगवान हुआ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो भगवान टीचर भी ठहरा, तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से ही वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप क्या करते हैं, लात मारकर बाहर घर से निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनको ही हिस्सा देते हैं जायदाद का, अपने प्रॉपर्टी का। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है, वह है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेज फूड है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहते हैं, वह तो देवताएं हैं, उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे, वह एक ही है। याद भी सभी एक को ही करते हैं, बाप का पता न होने के कारण कह देते हैं सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हनुमान ने दर्शन कराया, भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज में भावना रखो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की ही बात है। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम देखते हो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे और टीचर होते हैं ऐसे ही बिल्कुल साधारण रीति से पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा, ये तो तुम बच्चे जानते हो। इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, मनुष्यों को ये पता ही नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं। यह संगम का मेला देखो कैसा है, बच्चे आए हैं बाप से मिलने, यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है किसको, संगम युग को। गाते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय यह समय कितना अच्छा है, यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है। क्यों, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाबा आकर सबको पढ़ाते हैं, वह ही निराकार स्टार लिंग रूप रखा है समझाने के लिए, बिंदी रखने से कुछ समझ न सके। तुम जानते हो आत्मा एक बिल्कुल ही स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बाप भी स्टार है जैसे आत्मा, वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं नंबरवार है, कोई की भी बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी है, कोई की बुद्धि भी कितनी अपनी। अभी तो तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं, हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना पड़ता है। कोई बीमार पड़ते हैं हिसाब चुक तो होता है, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों है। देखो बाबा ने समझाया, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है, भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है ना, ये बात है ना, मेन बात है। तो बाबा कहते हैं कि कल भी हमारे यहाँ नजदीक में भादोरे गांव की एक कन्या, उसने शरीर छोड़ा बाबा, तो किसी ने मन बीमार भी रहती थी तो किसी ने कहा अरे ब्रह्मा कुमारी में है फिर बीमार कैसे, अरे अभी ब्रह्मा कुमारी पर नहीं है लेकिन इतने 63 जन्मों का जो है बोझ वो तो उतारना ही पड़ेगा। बाबा ने समझाया इस जन्म में किए हुए पाप अगर नहीं सुनाएंगे तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे, बतला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर वन भारत पावन था अब पतित है तो उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती, जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा होगा तो भोगना पड़ेगा, वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मार देते हैं, यहाँ तो खुशी खुशी से भोग रहा है। हम ही पावन थे फिर हम ही पतित बने हैं, यह चोला पार्ट बजाने के लिए हमको मिला है, अभी बुद्धि में आया है हम सबसे जास्ती पतित है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आश्चर्य नहीं खाना चाहिए फलाने को ये बीमारी क्यों हुई। अरे देखो कृष्ण का नाम गाया है ना सांवरा और गोरा, चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं है, वो तो राधे को गोरा और कृष्ण को सांवरा दिखाते, समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते वो कैसे काली होगी। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो,
जो देवता कुल के थे वह अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सर्वेश्वर ऊपर ले जाना है, तुम सर्वेश्वर आर्मी होना। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति में ले आते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर एंड मुख्य एक्टर गाय हैं। एक्टर कैसे हैं? पति पावन बाप आकर पति दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो, बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वह इस समय पार्थ बजाते हैं। वह पार्थ बजाएंगे संगम पर, उनको कोई नहीं जानते। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, हर जन्म में कुछ न कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं, कला तो 16 कला संपूर्ण है। अच्छा, एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी, जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे 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 उतरते रहेंगे। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए जो अक्षर की सीमत पर चलते हैं वही उंच पर पाते हैं। सो भी जब पूछे ना बाबा को अपना पूरा कोटा में भी भेजना है तो बाबा राय दे सकते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वो तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं, एक एक की दिल को नहीं बैठ जानेंगे ना, वो तो नॉलेज फुल है। बाबा कहते मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ तुम कैसे नीचे गिरते आते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। अभी संगम युग तो लिफ्ट का काम कर रही है ना, चढ़ते हैं, सदगति मिलनी चाहिए। पूछते फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की है नंबरवार, भर इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के तो पाप तो है ना, वह करते हैं याद की बल से। याद ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो और निरोगी बनेंगे। बाबा से वरदान मिलता है सुख शांति और पवित्रता का, निरोगी काया या बड़ी आयु भी कैसे मिलेगी भाई? याद के बल से, नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ कोई नहीं जानते, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं, यहाँ बैठे भी लंदन के पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इस दृष्टि से नहीं, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सावरे हैं, तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा हुआ है, जो अधूरी बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा ही है। बाबा भी बलि चढ़ाना ब्रह्मा बाबा, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है, इसमें जीवघात की बात नहीं। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं या अपना काट लेते हैं, इसलिए कहा जाता जीवघाती महापापी। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छे से समझाते हैं, तुम जानते हो। कल्प 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 के संगम युग में या संगम युग के इस कुंभ के मेले में ही बाबा आते हैं। यह वही माता पिता है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं हमारी हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफी, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेज फुल पति पावन है, वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं, यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो सब भूल जाना है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाबा भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य भल कहते हैं निष्काम सेवा करते, परंतु फल तो मिलता ही है। बाबा निष्काम सेवा करते हैं ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते, यह कहाँ से सीखे? तुम जानते हो निष्काम सेवा सिर्फ और सिर्फ बाबा ही करते हैं, बाकी हम आत्माएं जो भी करती हैं अच्छा या बुरा जो भी कुछ है वो तो उसका फल तो हमें ही मिलना है।
आते ही हैं संगम युग पर, अभी भी तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं हूँ निराकार, मैं तुमको यह वर्षा कैसे दूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का कैसे ज्ञान सुनाऊँ, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। ब्रह्मा बाबा कीर्तन में आते हैं, शिव जयंती मनाते तो जरूर मैं आता हूँ, भारत में भारत की महिमा सुनाते, भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाबा का कितना बच्चों पर लव है, अच्छा मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है, वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें भी लगाव नहीं रहता है। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा, इसलिए सब जिम्मेवारियाँ शिव बाबा को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो, तब लगाव मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्माओं को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। तो ऐसे एक बाप दूसरा न कोई स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज वट सावित्री की पूर्णिमा है, तो हम सभी के अति प्यारे अति मीठे शिव साजन पिता परमात्मा उनकी सत्यवान की हम सभी सावित्रियां हैं। जैसे सावित्री ने सत्यवान का प्राण वापस लाया था, वैसे तो हमारे प्राणेश्वर पिता परमात्मा शिव बाबा है। वो हमें ये नहीं कहते कि उपवास करो मेरे लिए, ये करो व्रत रखो, कुछ नहीं, बस इतना करें कि हमारे पूरे लाइफ में हम पवित्रता का व्रत रखें, तभी सत्यवान हमारे परमात्मा हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे और हमें सतयुग के लिए तैयार करेंगे। तो ऐसे आज के इस त्यौहार की भी बहुत सारी माताओं को भाइयों को बहनों को ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।